फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नए तरीके से बनी हुई कद्दू की सब्जी लाई हूँ, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और जो लोग यानी बच्चे या बड़े जो कद्दू पसंद नहीं करते, वो भी इसे खा के दोबारा फिर से आपसे मांगेंगे। आप इसे रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कैसी लगी ये रेसिपी फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। कड़ी पत्ते से हींग वाले कद्दू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ में मैंने 250 ग्राम कद्दू लिया, जैसे मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिए हैं, और 3 आलू लिया है, ऐसे बड़े बड़े साइज में काट लिया है। अच्छी तरह पानी में इसे धो लेंगे। धोने के बाद इसका हम सब्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, और इसमें मैं 2 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। अब उसमें मैं सूखी मिर्च डालूंगी, एक छोटा मीडियम साइज का सूखी मिर्च डालूंगी। उसके साथ ये 5 फोड़न कहते हैं, 5 फोड़न हमारे बंगाली में बहुत फेमस मसाला है। ये 5 फोड़न कैसे बनाते हैं, मेरे चैनल में है, आप जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने इसको डाल दिया है, तो मसाले को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं कड़ी पत्ता डालूंगी। जो है मसाले और कड़ी पत्ता अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें मैं कद्दू और आलू को डाल दूंगी। इस सब्जी का सीक्रेट मसाला मैं आगे बताऊंगी, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। अब आलू और कद्दू को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये हमारे कद्दू और आलू फ्राई हो गए हैं हल्के से। अब इसमें मैं हरी मिर्च डालूंगी, ये हरी मिर्च डाली हूँ। ये हरी मिर्च मैंने 6 डाले हैं, ऐसे बीच से काट के। आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं नमक, हल्दी और हींग डालूंगी। चलिए अब नमक डालते हैं। ये सब्जी बहुत आसानी से बन जाती है, तो यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़ते हैं, हल्का होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है इसलिए। और 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच हींग, तो इन सबको हम अब इन सबको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हींग की, आप भी इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में कद्दू की सब्जी इस तरह हींग से, कड़ी पत्ते से। और मेरी रेसिपी कैसे लगी आप जरूर बना के बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा। इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए, हींग की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये रसेदार सब्जी नहीं होगा, थोड़ा सूखा सूखा सब्जी होगा, तो आप ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 ग्लास के बराबर पानी डाला है। अब इसको मैं धीमी आंच में इसे ढक के रख देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप भी इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। ये चावल के साथ इसे परोसिएगा, इसे बहुत अच्छा लगता है खाने में। देखिए हमारी सब्जी वैसे बन गई है, फिर मैं ऊपर से इसमें अलग सा हींग डाली हूँ। ये हींग ऑलरेडी पहले से भुजा हुआ है, ये देखिए अच्छी तरह ड्राई रोस्ट किया हुआ है, तो ऊपर से डालने से इसका स्वाद और बढ़िया आता है। इसे कैसे बनाते हैं ड्राई रोस्ट किया हुआ हींग, इसकी रेसिपी मेरे चैनल में है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं कैसे बनाया हमने। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और थोड़ी देर के लिए इसे ढक कर रख देंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है हींग डालने के बाद सब्जी का। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए इसे हम अब सर्व करते हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।